ये सब तो लीडर बनने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी मानो तो कोई दूसरा काम ढूंढ लो, क्योंकि ऑटो तो भैया तुम्हारा मिलने से रहा। अच्छा एक काम करो, जाके म्युनिसिपल कमिश्नर नम्रता सिंह के पैर पकड़ लो, देखो शायद कुछ हो जाए। हाँ हीरा, उस शंकर को पुलिस पकड़ के ले गई है। का? अरे का जरूरत है इतना कोर्ट कचहरी करने का, आ गया ना प्रॉब्लम है। तुम ही हो हीरालाल तिवारी जिसके पचरे में पड़कर मीना मैडम का ये हाल हुआ है। मतलब बहुत बड़ा केस लगा उनका, पूरे डिपार्टमेंट का मट्टी पलीद हो गया है। हमारी वजह से शंकर जेल में, और अब हमारी वजह से मीना मैडम सस्पेंड हो गई। कैसी आप मैडम जी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ गुनगुन कैसी है? गुनगुन बेटिया एकदम ठीक है मैडम जी, लेकिन आप क्या बात है हीरा, खुल के बताओ। मैडम जी आप हमको माफ कर दीजिए, आजकल आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी परेशानी आपकी जिंदगी में आ रही है, वो सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर आपने हमारा साथ ना दिया होता ना मैडम जी, तो आज आपकी वो नौकरी नहीं जाती। ऐसी बात नहीं है हीरा, ये प्रॉब्लम्स की जड़ तुम नहीं हो बल्कि एक बेईमान ऑफिसर है, और बेईमानी और ईमानदारी कभी ना कभी तो एक दूसरे का रास्ता काटते हैं। पर मैडम जी आपने हमको इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, और हम भी कितने गुड़ गोबर हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। मैडम जी एक तरफ आप हैं जो हमारे परेशानियों की परछाई में अकेले सब चीजों से जूझ रही हैं, और एक तरफ वो कमिश्नर मैडम है, ना जाने कहा है हमारे जान के पीछे पड़ी हुई है। हमने कहा बिगाड़ा है उनका, जान बुझ के तो कुछ नहीं किया है ना। इंसान इंसान में फर्क होता है हीरा, नम्रता जैसे ऑफिसर्स के लिए उनकी कुर्सी और उनका घमंडी सब कुछ। यकीन मानो हीरा, ये सब चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। जैसे ही मुझे ड्यूटी रीज्वाइन करने का ऑर्डर मिलेगा, उसी वक्त शंकर को जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। और जहां तक तुम्हारे ऑटो को छुड़वाने का सवाल है, वो थोड़ी टेढ़ी ही रही रहा। मैंने पता करवाया था, बिल्कुल सरकारी तरीके से जब्त किया है लोगों ने। जरा सी भी दखल अंदाजी करना मुमकिन नहीं है। मैडम जी आप किस मिट्टी की बनी है? इस केस में हमारे लायक कोई भी सेवा हो हमको बताइए, हम करना चाहते हैं। कोशिश तो जारी है हीरा, जो इंसान हमारे पुलिस स्टेशन में आके हमें रिश्वत देके गया था, बस एक बार वो मिल जाए, हाँ फिर शायद हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैडम जी हम जान लगा देंगे, आप जब हमें पुकारेंगे ना हम पहुंच जाएंगे। कोई भी काम कर रहे हैं हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे। हम जानते हैं हीरा, जैसे ही हमें उस इंसान का ठिकाना उसका कुछ भी पता चलेगा हम तुम्हें फोन करते हैं। अच्छा मैडम जी हम चलते हैं। मैडम जी एक बात कहें? कहो। कुछ घंटों के लिए महज कुछ घंटों के लिए गुनगुन बिटिया के खो जाने पर हमारी तो जैसे जान ही निकल गई थी। हम पर क्या बीती है ये हम बयान नहीं कर सकते मैडम जी। हम पर जैसे एक पागलपन सा सवार हो गया था मैडम जी। मैडम जी अब हमें एहसास हुआ सुमित बाबा के जाने के बाद अब कैसे हर एक सांस अपने दिल पर पत्थर रख के लेती होंगी। ऐसी बात नहीं है, सुमित जिंदा ही रहा। उसका दिल गुनगुन में धड़कता है, और जब तक वो धड़कता रहेगा सुमित जिंदा रहेगा, गुनगुन के साथ जिंदा रहेगा।
बारे में पता ना गुनगुन, क्या हुआ एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन तो बहुत बड़ी थी और गुनगुन ने तो कमाल ही कर दिया। और पता है हम खो गए थे बीच में, और गुनगुन नहीं होती ना तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता। सच्ची? और क्या, वही तो मुझे खींच के ले गई थी पुलिस अंकल के पास। फिर हम मिले टीचर से वापिस पुलिस स्टेशन में। बाप रे, गुनगुन इतनी स्मार्ट है। और क्या हुआ वहाँ पर? मुंबई एक कैसी जगह? मुंबई? मुंबई ना बहुत ही बड़ा है, ये बड़ा ओशन, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और वहाँ ना साई 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 हवा चल रही थी। हम तो डर ही गए थे कि बिल्डिंग गिरी ना जाए। अरे बस ये तो बताओ तुमने कंपटीशन कैसे जीता? हम जीते कंपटीशन गुनगुन की वजह से। पता है गुनगुन कितनी इंटेलिजेंट है, जजिस ने जो भी पूछा तो गुनगुन ने फट से आंसर दे दिया उसका, किसी को मौका ही नहीं दिया बोलने का। अगर इतनी इंटेलिजेंट है ये तो जजेस ने उसे वापस क्यों भेज दिया, वही क्यों नहीं रख दिया? ए मानसी, अपनी बकवास अपने पास रख, गुनगुन के बारे में कुछ भी गलत बोला तो तेरी छोटी काट दूंगा। तू बड़ा है, गुनगुन का सेवियर खुद ही तो उसकी बुराई करता रहता है क्लासरूम में। शट अप, वो तो पहले की बात है। अब मैं गुनगुन को बिल्कुल भी नहीं चिढ़ाता हूँ क्योंकि अब वो बहुत स्मार्ट और हेल्पफुल है। ये पागड़ बिल्ला भीगी बिल्ली क्यों बन गया? अरे भैया वही तो हमारा मैजिक है, हमारे पास एक ऐसी पावर है जिससे सब हमारे दोस्त बन जाते हैं। गुनगुन मुझे भी ना तुझसे एक चीज पूछनी थी, तू मुंबई जाके सनी देओल से मिली? शट अप, सनी पाजी ना मेरे फेवरेट हीरो है और मैं बड़ा होके ना उनके जैसे स्ट्रांग बनूंगा। ओहो भैया, हमने बताया ना कि मुंबई इतने बड़ा शहर है, हमारे स्कूल से भी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पर, और इतने बड़े शहर में इतने बड़े हीरो को ढूंढने में टाइम तो लगेगा ना, और हम तो वहाँ बस 4 days के लिए गए थे। कोई बात नहीं गुनगुन, नेक्स्ट टाइम मैं ना अपनी पूरी तैयारी कर लूंगा, अगर एक बार मुंबई गया ना तो सनी पाजी को ढूंढ ही लूंगा। हाँ शकील बोलो। जिस मुन्ना बिरजू को आप ढूंढ रही है मैडम, वो ठीक मेरी आंखों के सामने खड़ा है इस वक्त। आर यू श्योर, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मुन्ना बिरजू ही है? मैडम शकील की चील की आंखें हैं, आदमी पहचानने में कभी धोखा नहीं खाती हैं। आना कहाँ है शकील? रोज शाम को 5 बजे लॉज में पत्ते खेलने आता है, पूरी तैयारी के साथ आइएगा, 2 लोग भी रहते हैं उसके साथ। तुम इसकी चिंता मत करो, बस ये ख्याल रखो कि उसका प्लान चेंज ना हो। मुन्ना आज मेरे हाथ से बच के नहीं जाना चाहिए, उस पे नजर रखो और उसके लॉज का एड्रेस मुझे SMS करो, ठीक है? अरे भैया 20 रुपया हुआ है, छुट्टा दीजिए ना हमको। देखो जरा। नमस्ते मीना मैडम। हीरा हमारी बात ध्यान से सुनो, जिस आदमी की हमें तलाश थी वो आज शाम 5 बजे एक लॉज में आने वाला है, और उसे पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तुम आ पाओगे? हाँ मैडम, आप इशारा कीजिए हम पहुँच जाएंगे, हम वक्त से पहले पहुँच जाएंगे, बस हमें बता दीजिए कब कहाँ आना है। मुझे एड्रेस मिलते ही मैं तुम्हें SMS करती हूँ। हाँ मैडम बताइए, हम पहुँच जाएंगे। फिर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, ठीक है? काहे कि कर्म ही है जो तुम्हारे हाथ में है, फल की चिंता मत करो, वो तो मेरे हाथ में है। ये बात सुनकर ब्रह्मदेव, भोले शंकर और बाकी 33 कोटि देवी देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए। माँ कहा बेटिया, कहा शंकर चाचा हमसे अभी तक नहीं मिले हैं, पता नहीं कहाँ है वो। तुम पहले कथा तो पूरी सुन लो। नहीं, हमें शंकर चाचा से मिलना है। क्या बात है? आज चाचू की बहुत ही याद आ रही है तुमको, कुछ बात है का? देखो ना, उन्होंने हमें अपनी प्रोजेक्ट बनाने में मदद की और उनकी वजह से हम कंपटीशन भी जीत गए। अब पर पता नहीं वो कहाँ है, वो हमें ना विश करने आए ना मिलने आए हमसे, एक और बात थोड़ी ना होती है माँ। बिटिया वो कानपुर गए हैं ना काम से, लेकिन तुम चिंता काहे करती हो, उनकी बात हुई है पापा से और पापा उनको कह दिए हैं
कि तुम कहाँ कर रहे हो, हमारी गुनगुन गुड़िया तो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तब तो ठीक है, फिर हम उनको अपने ट्रैपे भी दिखाएंगे। हाँ, और उन्हें बता देना हम उससे बहुत ही नाराज है, बहुत ही गंदे है, हम उससे कट्टी है, ऐसे कैसे हमें बिना बताए कानपुर चले गए। अब आएंगे ना, हम दोनों मिलके उनको खूब पीटेंगे। ए बेटा, 5 मिनट के अंदर खाना खा ले, वरना तेरा टाइम खत्म। इक्का दे रहे हमको, हमको खाना चाहिए, इस तरह गला खाना नहीं। इस ससुरे नौटंकी साले को रात भर भूखा रखना, पानी तक न मिलना पाए से, और सुबह होते ही यही खाना समेट कर ससुरे को देना, देखना यही खाना ससुरा कैसा कुत्ते की तरह जीव लप लपा कर चाटेगा सारा। मैडम जी चुपचाप आपके पीछे से आ रहा था, ये को देख के हमारा माथा खनक गया, हम सोचे कि ये है वो मुन्ना जिनको आप पकड़ने आए थे। शकील जाने दो इसे। अरे भैया हमको माफ कर दो, हमको पता नहीं था। कोई बात नहीं, ये बताओ खबर क्या है। मैडम शकील वादे का पक्का है, चिड़िया पिंजरे में आ चुकी है, दाना चुग रही है, दबोच लीजिए, एक तो कौवे भी साथ में होंगे उसके, जरा सा होशियारी से जाइएगा, यही गुलमोहर लॉज में बैठे हैं, चलता हूँ मैं। हीरालाल हमें जो करना है अब करना है, और अभी कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, आज अगर हमने मुन्ना को नहीं दबोचा तो सारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आप बस इशारा कर देना, हम दबोच लेंगे। ठीक है आओ। नहीं जाना चाहिए, ठीक है? मेरी गिनती के बाद। चाहिए रिपोर्ट लिखवानी है? कहाँ? नहीं, वो शंकर पांडे से मिलना है। शंकर पांडे, ये जो लॉकअप पे बंद है। क्या लगता है तुम्हारा? जी वो हमारा पहचान वाला है। अरे भाई आना आना, आ जाओ तुम दोनों आ जाओ। जी बोलिए। अरे भाई ये औरत जो कह रही है कि वो शंकर जो लॉकअप में बंद है चोर उचक्का, वो इसका पहचान वाला है।
तो ये बताओ कि तुम दोनों की क्या पहचान है? मर्द तेरा तो दोस्त है। अरे बता दे पुलिस वालों से कुछ नहीं छिपाया करते। अच्छा चल छोड़, इतना तो बता दे कि तेरे शंकर से पहचान दिन ही दिन वाली है यार। ए दरोगा, जबान संभाल के, शर्म लिहाज का बेच खाए हो। एक औरत से कैसे बात करते तुमको मालूम नहीं है? तुमको कोई हक नहीं है एक शरीफ औरत को इस तरह परेशान करने का। शरीफ औरत, वाह शरीफ औरत, इस तरह चोर उचक्के से मिलने थाने घुसी चली आई। और दरोगा, हम बता देते हैं, ये बस सलूकी बंद करो। जब इस मजनू को इतनी मिर्चे लग रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इसकी पहचान रात वाली ही है। दरोगा साहब, अपनी माँ बहन से ऐसे ही बतियाते हो का? क्या बकवास करती है? सवाल है साहब, अपने घर पर अपनी माँ बहन के साथ ऐसे ही बतियाते हैं का दरोगा साहब? ई बर्दी पर इतना भी गुरूर मत करो साहब कि कोनो गरीब की हाय लगकर तुम्हारी आत्मा जल जाए। ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है, उसकी तो शर्म कर लो। जॉन उन पर भरोसा ना हो तो जॉन कोक से जने हो वो कोक की ही लाज रख लो और औरत से बात करने का लिहाज सीख लियो। ठीक है जाओ, दो मिनट के लिए उससे मिल लो और फिर फौरन चली जाना। ये साले वर्दी की आड़ में गुंडे हैं, गुंडे भेड़ की खाल पहने भेड़िए हैं, औरत मर्द में फर्क नहीं जानते। कसम से कह रहे हैं, एक बार हमको बाहर निकाले तब इनको बताते हैं असली मर्द कौन है। बस शंकर, गुस्सा थूक दियो। इन टटपुंजों पर चिल्लाने से का फायदा? ये लोग तो कठपुतली है ना, नचने वाली वो कमिश्नर है। तुम बस गुस्सा मत करो और ठंडे दिमाग से काम लो। हीरा कुछ ना कुछ जुगत फिड़ा रहा है तुमको यहाँ से निकालने के लिए, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये जेल में पिटने का पहला बार है तुम्हारा कि पहले से तजुर्बा है तुमको? पहली बार ही आए। सुनो, गुनगुन कह रही थी कि तुमको गोभी का पराठा बहुत ही पसंद है। हाँ। रख लो। पता नहीं तुमको यहाँ ठीक से खाने को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। अरे वाह शांति देवी, तुम तो जेल में मिलने आती हो और गोभी का पराठा भी लाती हो। हमको पहले मालूम होता ना तो हम तो जेल के अंदर ही रहते। वो कहा बोलते हैं, वो आसमान से टपके और फितूर पेट के। फितूर नहीं होता, खजूर होता है, खजूर। हाँ वही। हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ भी कुछ कहेगा। हमने इन्हें रुपयों का डब्बा देने की कोशिश की थी, साजिश थी ये इन्हें फंसाने की। किसने की थी ये साजिश? साहब वो तो नहीं मालूम, ये सारा काम फोन पर ही हो जाता है। हमें रुपए हमारे कमरे तक पहुंचा दिए जाते हैं। नम्रता सिंह या रमाकांत, ये नाम सुने हैं तुमने? नहीं साहब, कभी नहीं। इस नाम के लोगों का इस साजिश से कोई लेना देना? माफ कीजिए साहब, इस नाम के लोगों को तो हम जानते तक भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि ऐसे किसने भेजे थे। भेजो इसे साहब। इंस्पेक्टर कौंती, तुम पे रिश्वत का इल्जाम गलत होगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा था और अब उतनी खुशी भी है
आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट पे कोई जरा से भी उंगली उठे हमें एक्शन लेना पड़ता है। समझती हूँ सर, आफ्टर ऑल आप ही ने मुझे ट्रेन किया है। डिपार्टमेंट की तरफ से हुई परेशानी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों के लिए आप म्युनिसिपल कमिश्नर नवता सिंह से दूर रहें, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है कि जिसको देखकर हम ये कह सकें कि वो इस साजिश में शामिल है। ओके सर। वेलकम बैक टू द फोर्स मीना, कल से आप अपना पुलिस स्टेशन संभालिए और 10 बजे से पहले पहले सारे पेपर्स आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर।